दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नए साल से भारत के मार्केट से आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की तुलना में आज क्रिसमस डे के यानी 25 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल दोनों थोड़े सस्ते हो गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मिली रिपोर्ट के अनुसार दाम में गिरावट के बाद आज सवेरे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल 0.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। बीते एक एक साल के दौरान सीएनजी करीब 73% तक महंगा हो गया है। 1 अक्टूबर 2022 को सीएनजी 45.5 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रहा था, जबकि आज यानी 25 दिसंबर 2022 को सीएनजी 89.56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। ऐसे में पिछले 14 महीने के दौरान सीएनजी 34.06 रुपये प्रति किलोग्राम महंगा हो गया है। कीमतों में बढ़ोतरी से सीएनजी गाड़ियों के इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। इस समय में राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल कराने पर 1,053 रुपये का देना पड़ता है। कोलकाता शहर में 1,089 रुपये, आर्थिक राजधानी मुंबई में 1,052.50 रुपये और साउथ राज्य के चेन्नई में 1,068 रुपये चुकाने पड़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 1,151 रुपये चुकाने पड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1,090 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने 6 जुलाई 2022 के बाद से एलपीजी सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही सरकारी रेलवे योजना से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑल कर ले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।